विश्व जागृति मिशन के तत्वावधान में विराट भक्ति सत्संग का 5 दिवसीय आयोजन क्या क्या है। यह आयोजन 25 से 29 दिसंबर तक चलेगा। श्री राम जानकी लक्ष्मण तथा अयोध्या मंदिर की झांकी का दर्शन भी होगा, साथ ही सुधांशु महाराज ज्ञान गंगा पहाएंगे। विश्व जागृति मिशन के तत्वावधान में व आचार्य सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में भव्य विराट भक्ति सत्संग का आयोजन 25 से 29 दिसंबर तक किया गया है। कार्यक्रम आनंद धाम रेशिमबाग मैदान में आयोजित किया गया है। सत्संग के मुख्य यजमान रमेश सरोदे परिवार है। आयोजित पत्र परिषद में नागपुर शाखा के महामंत्री दिलीप जी मुरारका ने जानकारी दी कि 25 दिसंबर को सत्संग का आरंभ दोपहर 4 बजे से 6:30 तक होगा। इससे पूर्व 25 दिसंबर को गुरु जी के आगमन पर शारदा चौक से भक्ति निवास अयोध्या नगर तक 108 मंगल कलश यात्रा निकाली जाएगी। 26 दिसंबर से 29 दिसंबर तक सुबह 9 से 11:30 व शाम को 4 से 6:30 बजे तक सत्संग होगी। 28 दिसंबर को विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत गुरु मंत्र सिद्धि साधना सुबह 9 से 12 बजे तक सुरेश भट्ट सभागृह रेशिमबाग में होगा। 29 दिसंबर को मंत्र दीक्षा सुबह 11:30 बजे आनंद धाम में होगी। विराट भक्ति सत्संग के लिए रेशिमबाग मैदान में 1,00,000 वर्ग फुट का भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। पंडाल के भीतर विशाल मंच का निर्माण शरद इंगले द्वारा किया जा रहा है। मंच पर प्रभु श्री राम जानकी लक्ष्मण के साथ वनवास जाते समय सरयू नदी के केवट प्रसंग का दृश्य व मंच के दाएं बाएं अयोध्या में श्री राम के नवनिर्मित मंदिर के परिदृश्य साकार किया जाएगा। व्यासपीठ के समक्ष की सजावट सुनील कोकाटे द्वारा की जाएगी। इस सजावट को प्राकृतिक रूप दिया जाएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।